बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देश में नागरिकता संशोधन कानून बनाए जाने के बाद भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के बैनर तले दोपहर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन अंजुमन नगर स्थित मैदान में इकट्ठा हुए। यहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए बिल को भेदभावपूर्ण बताते हुए संविधान की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। कमेटी सदर हाजी सिराजुद्दीन शेख, नायब सदर असलम शेख, जमीयत उलमाए हिंद के मुफ्ती नदीम हाफिज चांद अल्ताबाजाद ने ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मुसलमानों को दरकिनार करने भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन विधेयक संसद और राज्यसभा में पारित करा है। यह बिल बाहरी देशों के आने वाले नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन इसमें मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों को लिया गया। यह देश की मूल भावना के विपरीत है। कमेटी में अमेरिका की संसदीय कमेटी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिमों को छोड़ना गंभीर आपत्ति का विषय है, इससे विश्व में भारत की छवि खराब हुई है। कमेटी सदस्यों ने उक्त बिल को निरस्त करने की मांग की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज की मौजूदा सरकार गद्दार है, अगर उनको हमारी कुर्बानियां याद होती तो वो ये बिल नहीं लेकर आते। ये गद्दार भूल चुके हैं, वो लाल रुमाल की रेशमी तहरीर को भूल चुके हैं, लेकिन हम अपनी जान की कुर्बानियां दी थी और आज भी दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कान खोल कर सुन लो, आरएसएस वालों, सोचने की बात है। ये सारे कानून रोड पर नहीं बनाए जाते, संसद में बैठकर पार्टी के वहां पर बनाए जाते हैं। हमारी वहां पर जनसंख्या कितनी है, हिस्सेदारी कितनी है सियासत में हमारी, हमारी हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए ये कानून बनाए जाते हैं। हमको बेदारी लाना होगी सियासत में, हमको अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना होगी और सियासी चैनी गुलामी हमारे अपनों को बंद करना होगी। जो कानून मुसलमानों के खिलाफ आ जा रहा है उसका जो पार्टी सियासी पार्टी अगर सपोर्ट करे, हम उस पार्टी के साथ इंशाल्लाह उतारा नहीं खड़े रहेंगे। वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, जो हमारे इस्लाम, हमारी शरीयत और हमारी शख्सियत पर हमला करेगी, हम कतई उसके साथ खड़े नहीं होंगे। आरएसएस, मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अगर हम करबला के अंदर सब्र का मुजाहिरा करने वाले हैं तो ये मत भूलो कि हम 313 वाले भी हैं। हमारे मुल्क के संविधान ने हमको आजादी दी है अपनी बात रखने की। जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत। बाहरी देशों से आने वाले नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित कराया गया है। उसमें मैं विशेष रूप से इसमें बताना चाहूंगा, उसमें सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं हिंदू को ही शामिल किया गया और मुसलमानों को छोड़ दिया है, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत होकर इस विधेयक के द्वारा देश को बांटने का कार्य किया गया। अल्लाह का हुक्म है, जब भी आवाज लगाई जाएगी हिंदुस्तान के या पूरे आलम के मुसलमानों को, वो वातसिमु बिहब्लिल्लाही जमीअ पर एक जगह और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दिखलाएंगे। समझो जितना ये हिंद तुम्हारा है उतना ही हमारा है, जितना ये हिंद तुम्हारा है उतना ही हमारा है। ये हिंद को अपने बाप की जाति, श्रीमान विनती करते हैं कि संविधान विरोधी इस नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को आप स्वीकृति प्रदान नहीं करें और निरस्त कराने हेतु कृपा करें। धन्यवाद। जा रहा है क्या आप ये साबित कर रहे साथियों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, मैं आज के इस अवसर पर आपसे कहना चाहता हूं कि कल के रोने से आज का रोना अच्छा है।
आप अपने बाप दादा की जो जमीनें और मकानात हैं 1947 से पहले के उनके कागजात जरूर निकाल लें, वक्त आने से पहले निकाल के रख लें, अपने पास फाइलें बना लें, उनको कहीं पर इधर उधर ना रखें, संभाल के रख लें। क्योंकि एक और बताऊं कि जिनसे पाला पड़ा है बहुत झूठे हैं, बहुत झूठे हैं, बहुत बेईमान हैं, बहुत बेईमान हैं। आप लोग बहुत ज्यादा बातें की जा सकती है, पर मैं पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप इम्तिहान बनाए, इम्तिहान के साथ गुजरे, सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ें। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का दामन बनाए रखें और अपनी आवाज को इसी तरह बुलंद करते करें, इंशाल्लाह आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपके साथ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।